हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट के कंसेप्ट के बारे में कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है और जो मेयर्स फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखो, ये क्या है कि इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज़ ये था कि ये जो क्वेश्चन है वो दोनों कंसेप्ट इस क्वेश्चन से आपकी ये दोनों कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका जो बेसिक है वो समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है और कब इसका फॉर्मूले का यूज आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमने ये पढ़ा होगा कि S बराबर सॉरी ये हमने पढ़ा होगा कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये आपने एक फॉर्मूला ये जरूर पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम इससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएं, ये जो है आपके पास इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट लगाएं, तो उससे हम क्या होगा कि हम जो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम क्या कर देंगे। देखो, सी पी माइनस सी वी वाला जो फॉर्मूला है हम इसमें ऐसे लगा देंगे। ठीक है, कि हम इसे ऐसे कर देंगे, सी पी माइनस सी वी इजिकल टू आर है, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट होने का मतलब है कि कांस्टेंट दोनों बराबर होते हैं, तो आप इसमें जल्दी जल्दी में आप ए बराबर बी कर दोगे। ठीक है, किससे? इस फॉर्मूले से। जबकि हमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें ये जो लाइन है ना स्पेसिफिक हीट, ये यहाँ पर मेन है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। तो अब हम ये आंसर गलत क्यों है इसके बारे में समझते हैं और इसका राइट आंसर क्या है इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो देखो, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के कंसेप्ट के बारे में कि स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो मैं इधर लिख लेता हूं, मोलर स्पेसिफिक हीट, और इधर की तरफ लिख लेता हूं मैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब देखो समझते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है, समझते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो देखो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि C बराबर होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T के। ठीक है, और यहाँ पर N होते हैं नंबर ऑफ मोल, तो Q क्या हो गया यहाँ पर, तो Q हो गई यहाँ पर हीट। ठीक है, डेल्टा T क्या हो गया, टेम्परेचर। ये भी चेंज इन हीट है और ये भी चेंजिंग हीट है, सॉरी ये चेंजिंग टेम्परेचर है, और ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल। और ये जो है सी वो है स्पेसिफिक हीट। अब यही फॉर्मूले के अंदर ये जो चीज है स्पेसिफिक हीट के अंदर, तो स्पेसिफिक हीट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एस बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी के। ठीक है, अब ये और इसमें क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। देखो, एम क्या होता है, यहाँ पर मास होता है, किसी भी गैस का मास है, तो जब भी हमें मास की बात करता है तो हमें स्पेसिफिक हीट वाला ये कंसेप्ट लेना है, और जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करें तो हमें मोलर स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट यूज लेना है। समझ आया? तो देखो, अब क्यू यहाँ पर क्या है, तो क्यू यहाँ पर हीट ही है। क्या है? हीट। टी क्या है? टेम्परेचर। और एम यहाँ पर मास हो गया, और एस क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट के बीच डिफरेंस हमें समझ आया होगा। अब क्या होता है कि इसी कंसेप्ट को हम इसी कंसेप्ट के अंदर हम अगर अगर हम जैसे कि हमने अभी ये फॉर्मूला पर डिस्कस किया कि C बराबर डेल्टा Q अपॉन एम सॉरी एन
एन इंटू डेल्टा टी के, ठीक है। तो एन डेल्टा टी के चेंज इन टेम्परेचर, तो सी बराबर हो जाएगा, क्यों क्या होता है हीट। तो अगर मैं इसे कांस्टेंट प्रेशर पर बात करता हूँ तो ये हो जाएगा सी पी, सी पी बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी के। और इसी के अंदर यदि मैं सी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी जो है उसे मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करता हूँ तो यही फॉर्मूला बन जाता है स्पेसिफिक हीट का, मोलर स्पेसिफिक हीट का, ठीक है, क्योंकि एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल है, समझ आया। तो यह है कांस्टेंट प्रेशर पर और यह है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। अब यही चीज मैं स्पेसिफिक हीट के अंदर बात करूं तो हमने पढ़ाई कि एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी के। अब यही मैं कांस्टेंट प्रेशर पर लिखूंगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी के, ठीक है। और यही चीज़ मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिखूंगा तो डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी के, समझ आया। तो ये दोनों एक है, बस ये ध्यान ही रखना है कि ये जो फॉर्मूले लगेंगे ये स्पेसिफिक हीट के हैं और ये मोलर स्पेसिफिक हीट के यूज आएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं और उससे समझते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर जो क्वेश्चन है तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है समझते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में इसने किसकी बात कही है, स्पेसिफिक हीट के बारे में किसकी बात करी है, स्पेसिफिक हीट। क्या कह रहा है कि सी पी एंड सी वी आर ए स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर एर कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो इसने आपको पजल करने के लिए इसने सी पी एंड सी वी इस तरह से फॉर्मूला यूज ले लिया जिससे कि क्या है हम डायरेक्ट सी पी माइनस सी वी आर वाला फॉर्मूला यूज करें। बट ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या दिया गया है स्पेसिफिक हीट, तो इसे मैं एस पी माइनस एस वी ये कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट है, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। तो देखो अब हम इसे डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से समझते हैं इसे क्या है इसका मेथड। तो देखो भाई अब क्या कह रहा है कि हमें ये पता है कि सी पी माइनस सी वी इजिकल टू आर होता है, दैट इज ओके। अब सी पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी के माइनस डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी, ये कांस्टेंट प्रेशर पर है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है आर ऐसे कैसे, ठीक है। अब क्या होता है इस दोनों साइड एन है, नंबर ऑफ मोल्स कॉमन है तो मैं इसे साइड लेकर उसे वहाँ मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी के माइनस डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा टी के इजिकल टू एन आर, समझ आया। अब मास से यहाँ डिवाइड करता हूँ और मास से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास जो है वो मल्टीप्लाई के अंदर है तो ये यहाँ आएगा मास डिवाइड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे अब आगे करते हैं, तो देखो अब मैं इसे लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू बराबर एम इंटू डेल्टा टी माइनस डेल्टा क्यू बराबर एम डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इजिकल टू एन आर बाई एम के, ठीक है। अब देखो ये जो है ये भी स्पेसिफिक हीट हो गई, ये भी स्पेसिफिक हीट हो गई, तो ये लिख सकता हूँ एस पी माइनस एस वी इजिकल टू एन आर बाई एम, ठीक है। अब देखो एम क्या है, यहाँ पर एम मास है किसका, गैस का। अब एम जब गैस का मास है तो मैं इस गैस के मास को क्या लिख सकता हूँ, एम को मैं लिख सकता हूँ
एम को हम लिख सकते हैं एन आर बाई नंबर ऑफ मोल एंड मोलर मास, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मास कट जाए, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल कट जाएगा, तो एस पी माइनस एस वी इज इक्वल टू आर अपॉन एम, ठीक है। इसका मतलब है ये मास पर डिपेंड करेगा। अब हम गैस का मास लिख लेते हैं। अब जो गैस दी गई है वो देखो कि हमें कौन सी गैस दी गई है। तो देखो क्वेश्चन में हमें ये भी इधर सही है, देखो क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में हमें आपको हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस दी गई है, तो हम हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है वो लिख देंगे। देखो हाइड्रोजन गैस का मास लिख देंगे हम टू, तो जो हाइड्रोजन गैस का मास आएगा वो टू लिख देंगे, और जो नाइट्रोजन गैस का मास आएगा वो हम 28 लिख देंगे, दैट इज़ ओके, ठीक है। और इन्हें हम आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो ऐसे लिख देंगे कि मतलब 2 पाई, चलो उसे वहीं करते हैं उसे आगे, ठीक है। अब देखो आगे इसे समझते हैं, वहीं चलते हैं। देखो आर वाई एम है ना, यहाँ से समझते हैं इसे। तो देखो अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सी पी एस पी माइनस एस वी इज इक्वल टू आर बाई एम, हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28, ये ए लिख देना, कांस्टेंट है यहाँ पे ए, अपॉन और ये हो जाएगा बी के, ये कट जाएगा इससे कट जाएगा, तो एस पी माइनस सॉरी एस पी माइनस एस वी इज इक्वल टू 14 ए, दिखाना क्या है ऑप्शन, फोर्टीन बी। अब देखो तो ये हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा 14 बी के। तो देखो जब आप यहाँ पे भी एस पी माइनस सी पी करोगे तो ये इससे भी कट जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा 14 बी इजिकल टू हो जाएगा ए के, दैट इज ओके। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट राइट आंसर है, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट राइट आंसर, ए बराबर 14 बी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।